वो लोग जो नहीं जानते हैं कि प्रोटीन हमारे किस काम आता है, उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए काफी जरूरी होता है। ये बॉडी को रिपेयर करने में और मसल्स को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसीलिए जो लोग जिम जाते हैं उन्हें वर्कआउट करने से पहले या वर्कआउट करने के बाद प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी ये प्रोटीन हमारे शरीर को कई तरह की हेल्थ बेनिफिट देता है। और अगर हम उम्र के हिसाब से दिन भर में प्रोटीन की एक निश्चित मात्रा लेते हैं तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। वैसे तो सामान्य रूप से एक व्यक्ति को एक दिन में लगभग 2500 कैलोरी और 56 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और एक सामान्य महिलाओं को एक दिन में लगभग 2000 कैलोरी और 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए जिससे कि हमें भरपूर प्रोटीन और एनर्जी मिल जाए? तो आज हम जानेंगे ऐसे ही 10 फूड्स के बारे में जिनमें सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जो चैनल में नए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर ले ताकि कोई भी जानकारी मिस ना होने पाए। सो हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजा एंड यू आर वॉचिंग हेल्थ ट्रेलर। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 10 हाई क्वालिटी प्रोटीन में नंबर 10 में है मिल्क यानी दूध। दूध में प्रोटीन अच्छे मात्रा में होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 100 ग्राम दूध में 3.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो इसका मतलब अगर आप 1 लीटर दूध रोज पीते हैं तो आपको 34 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और एक नॉर्मल व्यक्ति को हर रोज 56 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो 34 ग्राम प्रोटीन तो आपको दूध पीने से ही पूरा हो जाएगा। दूध में प्रोटीन के साथ साथ दूध में कार्ब और फैट भी होता है जो कि अंडरवेट वाले व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल होते हैं। नंबर 9, अंडा। अंडे को खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। चाहे वो जिम करने वाले या फिर वर्कआउट करने वाले बॉडी बिल्डिंग व्यक्ति हो या कोई नॉर्मल व्यक्ति क्यों ना हो, ज्यादातर लोग अंडे के पीले वाले हिस्से को खाना पसंद करते हैं। हालांकि अंडे के पीले वाले हिस्से में ज्यादातर फैटी होते हैं जो अंडरवेट वाले व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल होता है। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है जो सिर्फ अंडे के बाहर वाले हिस्से यानी सफेद वाले भाग पर ही होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करना चाहते हैं उन्हें अंडे के सफेद वाले हिस्से को खाना चाहिए और ओवरवेट वाले व्यक्ति को भी सफेद वाले हिस्से को ही खाना चाहिए क्योंकि प्रोटीन से फैटवान होते हैं। अंडा दुनिया में सबसे सस्ता और अच्छा हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड्स होता है, फिर भी ये 9 नंबर में है क्योंकि इसके पीले वाले हिस्से में फैटी होता है। नंबर 8, टोफू। टोफू को प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। फिटनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि टोफू का सेवन करने से शरीर के हर जरूरी अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। इसलिए जो नॉन वेज यानी मांसाहारी भोजन नहीं खाते हैं वो टोफू से शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसे हम सोया पनीर भी कहते हैं और लगभग 100 ग्राम टोफू में 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। नंबर 7, योगर्ट यानी दही। दही को सुपर फूड कहा जाता है, इसलिए हर रोज दोपहर का भोजन यानी लंच के साथ एक कटोरी दही का सेवन करने से पेट में जुड़ी समस्या और कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। दही में फैट और हाई क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लगभग 100 ग्राम दही में 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। नंबर 6, केसू यानी काजू। काजू को सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि काजू के कई फायदे होते हैं। काजू वजन घटाने में मदद करता है लेकिन काजू में फैट भी होता है और ये हेल्दी फैट और अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार काजू का सेवन करते हैं तो आप उन लोगों की तुलना में कम वजन गेन करेंगे जो कि कुछ भी खाकर अधिक वजन बढ़ा लेते हैं। कहा जाता है कि काजू खाने से हार्ट प्रॉब्लम, शुगर, डायबिटीज, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से भी लड़ने में मदद मिलता है। इसके अलावा काजू खाने से बॉडी को भरपूर एनर्जी मिलता है, साथ ही बोन्स को हेल्दी रखने में और डाइजेशन होने में मदद करता है। इसके अलावा हेयर कलर यानी बालों के रंग को भी सुधारता है। ऐसे कई फायदे हैं काजू खाने में और सबसे खास बात तो ये है कि लगभग 100 ग्राम काजू में 18 ग्राम प्रोटीन होता है जो कि एक हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। नंबर 5, प्रॉन्स यानी झींगा मछली। झींगा मछली तो बहुत लोग खाते हैं लेकिन आज भी लगभग 90% लोगों को झींगा मछली के फायदे के बारे में नहीं है पता। झींगा मछली खाने से कई तरह के फायदे होते हैं पर उसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं लगभग 100 ग्राम झींगा मछली में 20 ग्राम प्रोटीन होता है, साथ ही 0.9 ग्राम कार्ब, 1.72 ग्राम फैट होते हैं जो कि ना के बराबर फैट होता है। और इसीलिए मसल्स कटिंग करने वालों को झींगा मछली खाना चाहिए क्योंकि झींगा मछली में 20 ग्राम प्रोटीन होने से ओवरवेट वाले व्यक्ति को भी
वेट लॉस करने में मदद मिलता है। साथ ही साथ झींगा मछली खाने से हार्ट स्वस्थ रहता है, हड्डियां स्ट्रांग होते हैं और मसल्स बनाने में भी मदद करता है। और खास बात, ये त्वचा को जवान रखता है, इसलिए झींगा मछली हम सबको जरूर खाना चाहिए। मच्छर, मूंग की दाल। मूंग की दाल डायबिटीज को कंट्रोल करने में, पाचन में सुधार लाने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही मदद करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रेगनेंसी में यानी गर्भावस्था में भी बहुत फायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि मूंग की दाल में फाइबर और प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। इसका सेवन से हंगर हार्मोन इन्फ्लुएंस होता है जो भूख को नियंत्रित करता है। लगभग 100 ग्राम मूंग की दाल में 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है जो एक अच्छा क्वालिटी प्रोटीन होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 100 ग्राम मूंग की दाल में 1.2 ग्राम फैट होता है जो कि अंडरवेट वाले लोगों को कम खाना चाहिए क्योंकि इसमें फैट ना के बराबर होता है। नंबर 3, फिश यानी मछली। वैसे तो अलग अलग मछली में प्रोटीन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अलग अलग होती है, लेकिन जो मछली अंदर से ज्यादा सफेद होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होता है, जैसे कि तेलापिया, रोही, पम्पलेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह के मछली में ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोटीन रहता है। लगभग 100 ग्राम इस तरह के मछली में 18 से 26 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है और फैट और कार्ब एकदम ना के बराबर ही होता है, इसीलिए इसे हाई क्वालिटी लीन प्रोटीन फूड कहा जाता है। नंबर 2, सोया चंक्स। लगभग 100 ग्राम सोया चंक्स में 52 ग्राम प्रोटीन, 33 ग्राम कार्ब और फैट ना के बराबर होता है। वैसे सोया चंक्स एकमात्र एक ऐसा फूड है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होता है, और अगर बात की जाए इसकी क्वालिटी की तो सोया चंक्स एक कंप्लीट प्रोटीन फूड होता है। इसमें पूरा का पूरा 9 एसेंशियल अमीनो एसिड पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसे लीन प्रोटीन फूड नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ 33 ग्राम कार्ब भी होते हैं। साथ ही सोया चंक्स को एक साथ 100 ग्राम नहीं खा सकते हैं क्योंकि सोया चंक्स में फाइटोस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन मौजूद होता है, इसलिए इसे ज्यादा मात्रा में खाने से आपके शरीर के हार्मोन को इम्बेलेंस कर सकता है। आप सोया चंक्स को दिन भर में 25 ग्राम तक खा सकते हो, इसका मतलब आपको ऑन एन एवरेज 13 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा सोया चंक्स खाने से दिन भर में। और पहला और नंबर 1 में है चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट इसीलिए क्योंकि चिकन के दूसरे बॉडी पार्ट्स में प्रोटीन तो होता है, साथ में फैट भी होते हैं, लेकिन चिकन के सीने वाले हिस्से यानी चिकन ब्रेस्ट में अच्छा और हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है, और इसीलिए 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में 31 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और 0 ग्राम कार्ब और ना के बराबर फैट होता है। इसीलिए वर्कआउट करने वाले या फिर बॉडी बिल्डिंग करने वाले या मसल्स गेन करने वाले लोगों को चिकन ब्रेस्ट जरूर खाना चाहिए क्योंकि ये हाई क्वालिटी लीन प्रोटीन फूड होता है, और आप इसे 100 ग्राम खा सकते हैं। और 25 से ऊपर BMI वाले लोगों के लिए ये बेस्ट फूड है, इससे मसल्स तेजी से ग्रो होंगे। और जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए चिकन ब्रेस्ट टॉप 10 में नंबर 1 पर है। तो उम्मीद है आप सबको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, आप सबके ढेर सारे प्यार के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियोज़ पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।